गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर सिक्स रनिंग चल रहा है। कल की क्लास में हमने टिश्यूज के बारे में समझा, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने उसको समझा, परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट किया था। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड द परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड हमने ये समझा कि पेरेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा के डायग्राम को भी समझा, फंक्शन को समझा। टुडे वी स्टार्ट द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा। ओके, तो एट फर्स्ट आई विल ड्रॉ द स्केच ऑफ कोलेनकाइमा, बोथ द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद मी, है ना, आप अपने मेरे साथ में आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक रफ कॉपी ले लीजिए। तो मैं हेडिंग डालता हूं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे बी कोलेनकाइमा। ओके बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कोलेनकाइमा के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्केच है बच्चों, ये मैं ट्रांसवर्स सेक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोलेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन।
ये बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन है कॉलन काइमा का, और एक और स्केच है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, वो भी बना लेते हैं अपन, फिर भी एक साथ ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यस बेटा, लुक एट द बोर्ड। बच्चों ये दो स्केचेस हैं, एक तो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉलिन काइमा और एक है एलएस ऑफ कॉलिन काइमा। इस स्केच को देखिए आप, जो कॉलिन काइमा टिश्यू है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इनकी जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होती है, टेपर्ड होती है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, दे हैव नो द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ओके। एंड इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनके कॉर्नर्स पर बच्चों डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन पाया जाता है, जिससे द कॉर्नर्स आर थिक, जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं इनके, और इनकी वॉल के ऊपर भी डिपोजिशन पाया जाता है पेक्टिन का, और जहां जहां डिपोजिशन नहीं होता वहां पर पिट्स रह जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनेल्स तो होते ही है, इनमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, और भी जितने प्लांट के सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ये तो है ट्रांसफर सेक्शन, ये है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, और ये थिक डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। बच्चों कॉलिनकाइमा के फंक्शन, अच्छा कॉलिनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं, डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में, लीव्स के मिड रिब में और लीव्स के बेस में ये पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, और इसके अलावा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है बच्चों। बच्चों अपन ने पेरेन्काइमा टिश्यू भी किए थे, तो उनमें एक फंक्शन ये भी स्टोरेज ऑफ फूड पेरेन्काइमा का, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कॉलिनकाइमा की जो सेल्स है वो लिविंग होती है, कॉलिनकाइमा की जो सेल्स है वो लिविंग होती है, ठीक है, और इनकी जो वॉल है वो थिक होती है, सेल वॉल,
पहले डायग्राम बना लेते हैं स्क्लेरल काइमा का। नाइन्थ क्लास, ये जो आपके सामने स्केच नजर आ रहा है ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का स्केच है। दिस वन इज द स्केच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड टिश्यूज होते हैं और इनकी जो वॉल होती है थिक होती है। इनकी वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। किसका? लिग्निन का। और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन द सेल वॉल इज थिक इन दिस टिश्यू। ठीक है, और जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है वहां पर गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं। ये बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये पिट्स रह गए हैं जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, ल्यूमेन है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। बच्चों जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये डेड है, रिजिड है, हार्ड है ये। और ये जो टिश्यूज हैं ये एक तो मोनोकोट स्टेम के अंदर, उनके हाइपोडर्मिस के अंदर, इसके अलावा जो सीड्स हैं उनकी कवरिंग में, नट्स की कवरिंग में, जो कोकोनट्स हैं उनकी जो कवरिंग है वहां पर पाए जाते हैं। ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। So these are the functions of scleroderma tissue. Okay? चलिए तो बच्चों ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। द नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नाइन्थ क्लास आप सब रेगुलर रहे, आज काफी और बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, तो मेरी आप सबसे यही
रिक्वेस्ट है या क्या कहें ऑर्डर है कि आप सब रेगुलर जरूर रहें क्लासेस के अंदर, तभी आप टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाएंगे। और मेरी ही नहीं, सभी टीचर्स की क्लासेस के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप रेगुलरिटी रखें, ओके, एंड डेली ज्वाइन द क्लासेस, ओके। और हमारी जो क्लासेस का टाइम है ये 8 o'clock से लेकर 12:10 तक होता है। वीक में आपको 2 days का रेस्ट भी दिया जाता है जिससे आप अपने कोई भी रिटर्न वर्क है, कोई रिविजन है वो कर सकें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज एक से अधिक टाइप की जो सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज एक से अधिक टाइप की जो सेल्स हैं उनके मिलने से, एक से अधिक टाइप के जो एलिमेंट से अलग अलग टाइप के उनके कोऑर्डिनेट होने से, उनके मिलने से बनते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज जो है वो 2 types के हैं, जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम। सबसे पहले लेंगे हम जाइलम के बारे में। बच्चों जाइलम जो है ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं और ये एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। और जाइलम 4 types के एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ट्रैकेट, वो 4 elements हैं ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ओके बच्चों, देर आर 2 types ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। द फर्स्ट वन इज द जाइलम एंड अनदर इज द फ्लोएम। एट फर्स्ट जाइलम क्या है? जाइलम कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है और ये 4 elements के मिलने से बनता है, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये जो पहले जो 3 है, ट्रैकेट, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये डेड एलिमेंट है, डेड होते हैं ये, और जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये लिविंग होते हैं। बच्चों जाइलम का फंक्शन है रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू द लीव। ओके बच्चों, यहां पर ये इनका फंक्शन है। यहां मैं आपको ट्रैकेट्स और वेसल्स का स्केच ड्रॉ करके बता रहा हूं बच्चों।
को समझ लो आप। हाँ जी, तो बेटा मैंने आपको बताया कि जाइलम के अंदर फोर कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर बच्चों मैंने ट्रैकेट्स और वेसल्स का डायग्राम बनाया। ट्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से पोर होते हैं जिससे क्या वाटर और मिनरल्स क्या है ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से वेसल्स के अंदर भी पैरेलल में जाने के लिए भी पोर्स होते हैं तो पानी का मूवमेंट जो है हो सके। तो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के द्वारा पॉसिबल होता है, ये इनका फंक्शन है। बहुत ही सिंपल और स्वीट फॉर्म में मैंने आपको ये बताया है। फटाफट से हम फ्लोएम टॉपिक को कवर करते हैं जिससे कल की क्लास में टिश्यूज सिस्टम को पढ़ सके। चलिए सेकंड लेते हैं फ्लोएम। हाँ जी बच्चों, फ्लोएम के अंदर भी फोर कंपोनेंट है, सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल, सेकंड कंपेनियन सेल्स, नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है बच्चों, जो फ्लोएम जो टिश्यूज हैं ये भी फोर टाइप के एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जो इनिशियल थ्री हैं ये लिविंग एलिमेंट्स हैं और फ्लोएम फाइबर्स डेड एलिमेंट हैं। ओके, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनके फंक्शन को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है। यहां बच्चों मैं डायग्राम बना रहा हूं फ्लोएम का, फिर इनके फंक्शन को भी समझेंगे। फटाफट से आप भी इसके स्केच को ड्रॉ कीजिए। बच्चों टाइम कम है, इसको पहले समझ लेते हैं अपन, है ना। आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेप वाइज अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। आप हमें पहले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने दो।
नाइन्थ क्लास फटाफट से इस डायग्राम को देखिए, और जैसा कि मैंने बताया कि फोर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो इनको एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती, डीन्यूक्लिएटेड होती है। तो इस तरीके से ये बच्चों जो है ना, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं या सीव ट्यूब सेल्स हैं। यहाँ पर ना जब एक फ्लोएम से दूसरे फ्लोएम का जो जंक्शन होता है तो यहाँ पर सीव प्लेट बन जाती है, मतलब छलनी जैसी प्लेट बन जाती है। इनके फंक्शंस को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं, और कंपेनियन सेल्स के साथ में ये फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये डायग्राम है एलएस ऑफ फ्लोएम का। ओके हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, जो टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लें। नाइन्थ क्लास, ये तो मैंने इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, इनके फंक्शन की बात करें, फ्लोएम का फंक्शन है फूड को, जो ऑर्गेनिक फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में, उसको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के वेरियस पार्ट्स में जो फूड का, ऑर्गेनिक फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। ओके बच्चों, अब आपके जो भी डाउट है आप हैंड रेज कर दें, मैं उनको रिप्लाई करूंगा।